नागपुर से कैलाश सिंह हैं फोन लाइन पर। नमस्कार। मैडम मैडम मेरे पास में इरेडा के 1050 शेयर है। ओके हेलो। जी हाँ, 1050 शेयर है, 111 रुपये 70 के 70 पैसे के हिसाब से। ठीक है। तो मैंने एक्चुअली इसमें कैसे किया था कि जब भाव बहुत बड़ा था, मतलब 215 के करीब जब गया था ना, तो उस टाइम में मैंने 180 पे मतलब मेरा प्रॉफिट बुक किया था। मतलब ये 500 शेयर वगैरह निकाल लिए थे मैंने, ठीक है। तो ओके उसके बाद में मेरे पास अभी 1050 शेयर है, तो मैं मतलब मुझे क्या अभी और प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए कि मुझे मतलब ये रख लेना चाहिए अभी? आपको पैसों की ज़रूरत है? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं है मैडम। ऑल राइट। और आपने जब ये लिया था तो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था या सिर्फ 3-4 महीने के लिहाज से लिया था? नहीं, मैंने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया था। ठीक है, तो एक बार आपको शॉर्ट टर्म का व्यू मैं दिलवा देती हूँ आयुष से। आयुष बताइए, क्या इनको मुनाफा बांधकर अभी निकल जाना चाहिए कि और कुछ समय तक रुक सकते हैं? मुझे लगता है यहाँ पे उनको इरिडा में, क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए जो तकरीबन 150 रुपीज के आसपास आता है। अगर 150 के नीचे स्टॉक जाता है तो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेना चाहिए, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसके लिए इसका स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे हो, नीचे सारे एवरेज का सपोर्ट बेस लेवल पे। तो मुझे नहीं लगता इसके नीचे आना चाहिए। इस वक्त मनोज हैं मथुरा उत्तर प्रदेश से। मनोज नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम मनोज कुमार परेश मथुरा से। सर जी सर मैं मेरे सर मेरा सर यस बैंक का 13,500 ठीक है। और मेरे पास जेट एयरवेज के शेयर हैं 1,000। ठीक है, किस भाव सर पे लिया आपने दोनों मैं स्टॉक? सर जेट एयरवेज मेरा 84 रुपये की खरीद पर है और यस बैंक मेरा 27 रुपये खरीद पे। ठीक है, दोनों ही स्टॉक जो हैं वो आपने काफी ऊपरी स्तर पे लिए हुए हैं। मनोज जरा मुझे ये बताइए कि ये दोनों शेयर आपने खुद से लिए या किसी की सलाह पे लिए? नहीं, मैंने उस समय बाजार गिरा हुआ था सर, उस समय मैंने लिए थे यस बैंक करीबन, उस जब कोरोना टाइम था उस समय लिए थे यस बैंक के। खरीदता गया ऊपरी रेट पे, और फिर मैंने ये थोड़ा सा एवरेज किए और जेट एयरवेज ऐसे खरीद लेते किसी की सलाह पे, और मेरे पास जब बढ़ा था जब मैंने निकाले नहीं, ठीक है। और जब बिल्कुल। अब देखिए देखिए मनोज, एक चीज आम तौर मैं पे शेयर बाजार के एक बारे से में डेढ़ कही साल तक जाती मैं है। अभी रुक सकता हूँ। जी, वो सारी बातें अपनी आपकी ठीक है, लेकिन आपके दोनों ही स्टॉक का जिस भाव पे आपने लिए हैं, ठीक है, आपने कोरोना की बात की, हाँ उस समय भाव जरूर गिरे हुए थे, बीच में उछाल आया, शायद आपने एवरेज बीच में गिरावट पे एवरेज किया, फिर आपने ऊपरी भाव पे यहाँ पे एंट्री की है, ये आपको नुकसान में डाल रहे हैं। खैर, हम जी यहाँ से देखते हैं कि इन दोनों स्टॉक में क्या हो सकता है, लेकिन आपको सलाह यही रहेगी कि किसी भी स्टॉक में बेहतर जानकारी हो तो ही स्टॉक में एंट्री करनी चाहिए। आमतौर पे बहुत सारी खबरें आती रहती हैं, बहुत सारे अपडेट आते रहते हैं, हम हर दिन, हो सकता है कि कल जो शेयर चल रहा हो उसमें आज जी किसी नेगेटिव फैक्टर की वजह से दबाव बन जाए, तो आपको बड़ा इसको ट्रैक करना रहता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। और आयुष जरा बताइए, जी यस बैंक और जेट एयरवेज दोनों ही ऊपरी स्तरों पर खरीदारी है, 84 रुपए पे जेट एयरवेज, यस बैंक 27 रुपए पे, क्या सलाह होगी आपकी? इस स्टॉक में हमने ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग देखी है। अगर पहले जेट एयरवेज की बात करें तो जेट एयरवेज में मैं इनको स्टॉप लॉस की सजेशन दूंगा, 44.50 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। 44.50 के नीचे अगर ये स्टॉक फिर भी जाता है तो इसमें से एग्जिट करने की राय रहेगी। सेकंड स्टॉक है यस बैंक। यस बैंक में भी हमने एक ऊपर के 28 रुपए के लेवल से तकरीबन एक प्रॉफिट बुकिंग देखी है। 22 रुपए का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है इसके वीकली चार्ट पे, तो मुझे लगता है यहाँ पे यस बैंक एक सपोर्ट ले सकता है। इनके अगर किसी को लंबा रखना है तो डेफिनेटली 22 रुपए के स्टॉप लॉस से एक बार आप इसको होल्ड कर सकते हैं, और इसमें ये डिस्क्लोजर रहेगा कि यस बैंक मेरी फैमिली पोर्टफोलियो का भी पार्ट है। चलिए